करण जौहर इन दिनों अपनी बायोग्राफी एन अनसुटेबल बॉय को लेकर चर्चाओं में हैं। सोमवार रात को बी टाउन के कई सेलेब्स की मौजूदगी में करण जौहर की बायोपिक लॉन्च की गई, जहां करण ने अपनी लाइफ से जुड़ी सारी बातों पर खुलकर बात की। लॉन्चिंग के दौरान करण ने एक बच्चा अडॉप्ट करने की इच्छा जताई। करण ने कहा कि भले ही वो शादी न करें, लेकिन वो हमेशा चाहते हैं कि एक बच्चा अडॉप्ट करें, क्योंकि उनमें एक माँ वाले सारे गुण हैं। वो लोगों को लेकर केयरिंग है और एक माँ का रोल अच्छी तरह निभा सकते हैं। अपनी बुक लॉन्च के मौके पर करण ने अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर भी खुलकर बात की। करण ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर उन्हें कई बार जलील होना पड़ा है। करण ने बताया कि एयरपोर्ट पर भी उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया और ये सारी चीजें उनके लिए काफी दुखद रही। करण के अनुसार लोग सेलेब्स के बारे में घटिया बातें करते हैं और वो मुझे सेक्सुअलिटी की वजह से जज करते हैं। उनके खास दोस्त शाहरुख खान भी पहुंचे थे। इस दौरान शाहरुख ने कहा कि करण की बुक का टाइटल उन्हें पसंद नहीं आया, क्योंकि करण लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और वो काफी सेंसिटिव भी हैं। इसलिए उनकी बुक का नाम एन अनसुटेबल बॉय की जगह द ब्रेव बॉय होना चाहिए था। यही नहीं, शाहरुख ने ये भी कहा कि करण उनके लिए हमेशा खास रहेंगे। NMF न्यूज की रिपोर्ट।